हमारी बात सुनता ही नहीं है, बोलता है कि तुम लोग 4 घंटा का ड्यूटी, हम लोग 24 घंटा समझिए कि हम लोग काम करते हैं 24 घंटा घर घर जा करके, कहता है कि तुम लोग केंद्र सरकार की आदमी हो, तब लोग बिहार सरकार क्यों काम लेती है। हम लोग कन्या सुरक्षा, मातृ वंदना, गृह भ्रमण, जन्म से मृत्यु तक सारा काम हम लोग करते हैं। 12 बजे रात में फोन करता, कन्या सुरक्षा का फार्म भर दीजिए, मातृ वंदना का फार्म भर दीजिए, स्केल नहीं पूरा हुआ पूरा कर दीजिए, हम लोग स्केल पूरा करेंगे। हम लोग का बात ही नहीं सुनेगा वो लोग, तो हम लोग क्या उसका करेगा, ऐसा सरकार को हम लोग नीचे गिरा के रहेंगे, उसको अपनी कान पकड़ के नीचे बैठा देंगे, नीतीश कुमार को, तेजस्वी यादव को कान पकड़ के खींच के बैठा देंगे, एकदम कान पकड़ के बैठा देंगे। नारी हम लोग नारी है, नारी शोषण करेगा तो नारी हम लोग हो गए हैं तैयार। अब नीतीश जी कहते हैं कि महिला के बल पे सरकार में आए हैं वो, और नीतीश कुमार बोलते थे कि महिला को, लेकिन महिला को सम्मान ही नहीं, लाठी चार्ज करवाते हैं, प्रशासन से मार खिलवाते हैं, पानी के बछार करवाते हैं, डंडा पर बजरवाते हैं नीतीश कुमार। इसलिए अब हम लोग सुनने वाले नहीं है, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग डटे रहेंगे। 1 महीना 2 महीना जिंदगी मतलब सालों भर बैठने के लिए तैयार है, लाठी चार्ज की है, हमारी साथी का माथा फट गया है, क्या कपड़ा वस्त्र फाड़ के मारा, बेनंगन करके मारा, कहता नारी पढ़ा बेटी पढ़ा बेटी बता, तुम लोग पढ़ लिख क्या, तुम लोग इज्जत कहाँ है, कोई इज्जत नहीं है हम लोग को। नीतीश कुमार कुछ नहीं सुन रहा है हम लोग को, उन लोग का बेटी या बहू से कोई मतलब नहीं है, एकदम सारे बर्बाद करके धर दिया। लाखों लोगों को कह रहे नौकरी दे रहे हैं, सरकार कह रही है कुछ नहीं दे रहे हैं नौकरी, वो अपना पेट भर रहे हैं। अभी विधानसभा तक करे की चुनाव आ गया तो नौकरी दे रहे हैं, नौकरी दे सबको तो निकाल रहे हैं, कहाँ नौकरी दे रहे हैं। शिक्षक को नौकरी मिला क्योंकि अभी वोट का टाइम है, इलेक्शन का टाइम है, इसलिए उसको चॉकलेट दे रहे हैं। हाँ हम लोग को नहीं, हम लोग को कह रहे हैं कि तुम लोग का काम क्या है, क्या काम था, हम लोग ठीक है काम नहीं कर रहे थे, हम लोग आए हैं यहाँ जाम कर दिए, देखे दे क्या कीजिए। चाचा भतीजा के साथ भी, चाचा भतीजा के साथ वही करेंगे कि उनको उतार देंगे, कान पकड़ के उतार देंगे, ऐसे नहीं कान पकड़ के उतार देंगे उसको हम, और जब हमारी बात ही नहीं सुनेगी तो 6,000 में क्या होता है बताइए। अभी लोग इतनी महंगाई बढ़ जा रहा है तो हम लोग, हमारे बच्चा रोता है, हमारे कुपोषित हो गए हैं, हम लोग नहीं चाहते कि हम अपने बच्चा को अच्छा अच्छा स्कूल में पढ़ावे, अच्छा शिक्षा दे दीक्षा दे, लेकिन हमारे पास है ही नहीं तो कहाँ से करेंगे। और वो उसका बेटा विदेश में पढ़ता है, उन लोग का जब भी वेतन बढ़ता है तो 1 बार के बदले 4 बार बढ़ता है, उन लोग का हवाई जहाज का टिकट मिलता है, रेल का टिकट मिलता है, उसका बच्चा लोग का अच्छा अच्छा स्कूल में अच्छा अच्छा में पढ़ाई होता है, हम लोग का बाल बच्चा का सरकारी स्कूल में नहीं, सरकारी स्कूल में भी ऐसा व्यवस्था कर दिया है, खाली खाना खाओ और थाली बजाओ यही कर दिया है, कुछ नहीं करता है, पढ़ाई लिखाई भी बंद कर दिया है, तो हम लोग का बच्चा तो ऐसे ही ना रहेगा, अनपढ़ ना रह जाएगा। और कहता है कि सरकार है, हमारा सरकार है, कब तक हड़ताल में रखिएगा इसे, जब तक हम लोग का मांग पूरी नहीं होगा जब तक हम लोग हड़ताल में रहेंगे। फिर पूरी डंडा मारेगी, यहां मार रही है और मारेगी, मार खाने के लिए तैयार है हम लोग, मार खाने के लिए तैयार है, हम लोग को जेल ले जाएगी, जेल जाएंगे, जहाँ ले जाएगी जहाँ जाएंगे, लेकिन हम लोग का जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग हटने वाले नहीं है। आम जनता परेशान हो रहा है, आम जनता को परेशान हो रहा है, तो आम जनता उसके पास जाए कहे, वो सरकार है उसकी, वो सरकार समझे कि कैसे आम जनता को सुरक्षा करेगा वो लोग, हम लोग तो अपना धूप में जल ही रहे, मर ही रहे, मरेंगे और क्या।